मतलब जाएगी बाहर काम करने तो किसी के साथ चली जाएगी या तो मतलब घर नहीं आएगी, और घर वाले भी बोलते थे, मतलब घर वाले भी उतना सपोर्ट नहीं किए। मोमन खेसारी तो हीरो हो गईले और भजनिया गई ये बाबा बोली ना रोते मिले हमसे आइल बनी हमार जान आज हरदी से लटाई बनी हमार जान आज हरदी से हम है एक स्टूडियो में जो कि आजकल के देख रहे हैं युग में कि रील्स लोग बना रहे हैं ज़्यादा और शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे भी बना रहे हैं। अभी टिकटॉक बंद हुआ है, हमारे भारत में बैन हो गया है, और उसी के बीच में बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। अब इसमें शॉर्ट वीडियो भी, लॉन्ग वीडियो भी, और आपको बता दें कि यूट्यूबर सबसे ज़्यादा हो गए इस जो जब से टिकटॉक बंद हुआ है। तो उसी बीच में हमारे साथ कुछ सिंगर लोग हैं, तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। और चलिए, क्या नाम है आपका? जी जी नमस्ते, मेरा नाम संजय लाल कुशवाहा है और मैं गाजीपुर की धरती से रहने वाला हूँ, और मैं एक एक्टिंग भी करता हूँ और वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, यही मेरा काम है। और सभी लोग से मेरा अनुरोध है कि भाई थोड़ा सपोर्ट हम लोग को भी कीजिए कि थोड़ा आगे निकले। नमस्कार प्रणाम, मैं रितु एक्टर्स, और देखिए हम लोग की टीम के, और मतलब हम मतलब गाना करते हैं। अच्छा, रील्स भी बनाते हैं? हाँ, फेसबुक पे। हाँ, और शॉर्ट वीडियो भी? हाँ, वो भी। हाँ, यूट्यूब पे। गाना वाना में भी आप काम करते हैं? हाँ, एल्बम में करती हूँ। अच्छा, एल्बम। तो देखिए दो लोगों का परिचय, आपका क्या नाम है? नमस्ते प्रणाम जितने भी देखने वाले हैं, मेरा नाम सिंगर सदानंद देव, और हम भोजपुरी किंग एक्स वाई जेड के कम चैनल चलाते हैं हम लोग भैया। और जिस भी सिंगर को अगर नहीं पैसा है, गरीब है चाहे कुछ भी, हम लोग जरूर उसका सपोर्ट कर रहे हैं, आ सकता है। अच्छा अच्छा हाँ, तो देखिए इनका कहना ये है कि जो भी नए कलाकार उभर रहे हैं इस समय, अगर उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जो भी गरीब कलाकार हैं वो इनके यहाँ आए और जो है कि इन सपोर्ट भी करते हैं, और इनके यहाँ आएंगे तो ज़रूर ये भी सपोर्ट करेंगे। चलिए उनसे परिचय हम कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा यहीं से नमस्कार है, और मैं दीपक लाल यादव, आप तो चैनल पर सभी लोग सिंगिंग करते हैं? जी जी सिंगिंग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इधर से मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ वीडियो एडिटिंग करते हैं? जी जी। अच्छा, वीडियो जैसे कि भैया बताएं अभी कि जितने भी गरीब लोग हैं अगर यहाँ पे आते हैं तो उनका फ्री में वीडियो बन जाता है? बना देंगे भैया, एकदम बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा अच्छा जी। तो यहाँ पे कब से आप खोले हुए हैं? हम लोग तो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी स्टूडियो हम लोग अभी नया रेडी किए हैं अपना। अच्छा, अपने ही गाँव के गाँव में। अच्छा, ये स्थान कौन सा है? ये ग्राम मीरा रेहटी है। मीरा रेहटी जी। और देखिए दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, यह मीरा रेहटी गांव है, और आप गाजीपुर ज़िले के हैं, तो दुल्लापुर अमारी गेट आप देख रहे होंगे, तो अमारी गेट से सीधा रास्ता जखनिया के लिए जो जा रही है वो मीरा रेहटी के लिए, बीच में मीरा रेहटी पड़ता है, आकर पूछ सकते हैं। क्या नाम है स्टूडियो का? भोजपुरी किंग एक्स वाई जेड। अच्छा, भोजपुरी किंग एक्स वाई जेड, यही स्टूडियो का नाम है और यही चैनल का भी नाम है जी। हम लोग का यूट्यूब चैनल है भोजपुरी किंग एक्स वाई जेड जी भैया। और आप एक्टिंग करते हैं? हाँ। अच्छा, गाना भी गाते हैं? नहीं, सिंगिंग नहीं करती हूँ, बस एक्टिंग करती हूँ। अच्छा, बस एक्टिंग। हाँ। कैसा एक्टिंग, सिर्फ गाने में डांस वाला? नहीं, मतलब एल्बम में जो रहता है वही करती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, खड़ा हो जाइए थोड़ा सा। चलिए हम देखना चाहते हैं थोड़ा सा किस तरह से एक्टिंग करते हैं, एक एक्टिंग करके दिखाइए। मान लीजिए कि यहाँ पे बजेगा और ये लोग डांस करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करिए आप लोग अपना। एक सेकंड रिहर्सल करते हैं ना भैया। ठीक है, स्टार्ट।
देखिए, आप अभी एक्टिंग देखे हैं, हालांकि बहुत अच्छी एक्टिंग थी। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि एक्टिंग इन लोगों की कैसी थी, और आप लाइव ये लोग गाना बजाकर किए हैं। जो है कि हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग जितने भी नए कलाकार आ रहे हैं इस समय और एक्टिंग कर रहे हैं, उन लोगों का हम लोग हौसला बढ़ाने के लिए लगातार लगे हैं और लगातार वीडियो बना रहे हैं। हमारे जो दर्शक होंगे वो लगातार देख रहे होंगे कि नए नए कलाकार अक्सर करके हमारे चैनल पे देखते होंगे। कभी कभार जो है कि रितेश पांडे और प्यारे लाल, क्या नाम है, समर सिंह, उसके बाद और प्रवेश लाल, ये सब आप लोग स्टार हैं तो इन लोगों का तो देखते ही होंगे आप लोग। लेकिन जो नए कलाकार हैं बहुत कम लोग दिखा रहे हैं, उन लोगों को हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये लोग अभी आप लोग रील्स बनाते हैं दोनों लोग मिल? जी जी, हाँ। रील्स बना रहे हैं हम लोग। हाँ, तो चलिए, आपका सदानंद देव। अच्छा अच्छा, तो गाना आप गाते हैं? कोई गाना हो जाए उसके बाद। और एक लाइन सुना दे रहे हैं, सावन गा रहा है जी। और पवन खेसारी तो हीरो हो गईले, और भजनिया गाइए बाबा बोलीना, कि ये बाबा बोलीना कि कब ले आई सहदानंद के बारी, ये बाबा बोलीना कि कब ले आई सहदानंद के बारी। कब से आप गा रहे हैं? हम तो गा रहे हैं 2017 के लास्ट में से गाना स्टार्ट किए, 10-15 गाना गाए, फिर कुछ जानते ही हैं कलाकारों को पैसा का सबसे प्रॉब्लम रहता है, फिर हम बीच में छोड़ दे, फिर अपना सब यही सब भाई है जो संजय मेरा भाई है। अच्छा, बहुत मेरा सपोर्ट किया है। दोनों आप लोग मिलकर खोले हुए? यही मेरा भाई है जो भी हैं उसी की वजह से हैं हम। अच्छा, ठीक है, जो चार लोग भी जानते हैं, बस वही सपोर्ट किया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ एक सवाल, कब से शुरू किया है? यही एक साल हो रहा है। घर परिवार का क्या रिएक्शन? सब अच्छे हैं। हाँ। अच्छा, पहली बार जब आपने वीडियो के लिए कहा कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, तब कैसा रिएक्शन था? और तो मतलब थोड़ा मतलब घर से नहीं इतना छूट था कि मतलब जाके कहीं बाहर ही करूँ, क्योंकि बाहर वाले भी पहली बार कहीं तो क्या कहें लोग। पहली बार मम्मी पापा बोले नहीं करना है, फिर मैं बोले कि नहीं हमको मतलब करना है। मतलब पहले मैं क्लास की थी, अभी मैं क्लास से मतलब एक दोस्त थी तो इनसे बात हो रही थी, तो फिर आई मैं शूटिंग पे। और मतलब पहली बार इन्हीं के यहाँ पाई? हाँ, पहले यहाँ मैं इन्हीं यहाँ से और यहीं से मैं काम करना स्टार्ट की। अच्छा, अच्छा। आप लोगों का क्या रिएक्शन था, घर वालों का या जो है कि गांव वालों का, लड़की के साथ आप डांस कर रहे हैं ऐसे कैसे? जी, रिएक्शन अच्छा है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं ठीक है भाई, अच्छा कुछ कर रहे हो तो अच्छी बात है, निकलना चाहिए गाँव से कलाकार। अगर मान लीजिए अगर घर वाले ही मने करेंगे तो फिर कलाकार कहाँ से आएंगे? तो नहीं, सपोर्ट सब लोग कर रहे हैं, परिवार हम लोग के अच्छे हैं, सब लोग साथ दे रहे हैं, गांव वाले भी अच्छे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी देखिए कितना हम लोग गाना अपने गांव में ही किए हैं, तो जो जितने भी गांव के हमारे दोस्त मित्र हैं सभी लोग साथ देते हैं और सब लोग सपोर्ट करते हैं हम लोग का। तो दोस्तों, हम जो है कि ये वीडियो एडिटिंग करते हैं, और यह एडिटिंग किस तरह से किया जाता है ये दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप तीन लोगों का परिचय जाने, और हमारे साथ दीपक लाल यादव जी हैं, इनसे गाना सुनना चाहेंगे, उसके बाद इनसे बात करेंगे। जी, कोई गाना आप तो? जी एकदम गाएंगे गाना, भक्ति गाना गाएंगे जी, कोई गाना। और सो चली हमनी के भूला है गइलू माई हो, और सोचली हमनी के भूला गइलू माई गो, हंसवा उड़ा के तबले, और हंसवा उड़ा के तबले आ गइलू माई गो, हंसवा उड़ा के तबले आ गइलू माई गो, हंसवा उड़ा के तबले। नमस्कार। दीपक जी, कब से गा रहे हैं आप गाना? जी, आपसे तो मतलब कि आपके जो YouTube पे मेरे दर्शक हैं सभी को बताया हूँ कब से गा रहा हूँ, बचपन से गाने का शौक था, लेकिन घर का सपोर्ट नहीं था, तो मैं 2019 से गाने स्टार्ट किया,
तो फिर मतलब मेरा ये अच्छा कठिनाई क्या है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि मतलब कब से गाना स्टार्ट किया, बचपन से गा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन कठिनाइयाँ क्या है? ये भोजपुरी कलाकार दोस्तों अगर जो भी होते हैं, सिंगर जो भी होते हैं, वो जब गाना स्टार्ट करते हैं गाने के लिए, तो सबसे पहले माइंड में एक चीज़ आ जाता है सभी लोगों के कि यह जाएगा और अश्लील गाना गाएगा, फुहर पत्थर गाएगा, दोहरी भाषा में गाएगा गाना, और इसीलिए पसंद नहीं करते हैं लोग। और कितना भी ये लोग अच्छा करते हैं, लोग नहीं देखना पसंद करते हैं नए कलाकारों को। अभी इस समय जो कलाकार देख रहे हैं आप लोग, पवन सिंह, खेसारी लाल, दिनेश लाल निरहुआ और रितेश पांडे, अन्य कलाकार जो नए नए बड़े बड़े कलाकार हैं, उन लोगों को देखना पसंद करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। और जो नए कलाकार होते हैं उनको जो है कि नहीं देखते हैं लोग, और इसलिए उनका जो गाना होता है बेचारे जो है कि मेहनत करते रहते हैं, एक समय ऐसा आ जाता है कि निराश हो जाते हैं लोग। और कोई किसी का भाग जग गया तो बात अलग की है, लेकिन अधिकतर लोग जो है कि निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं रहता है, गरीबी के कारण ये लोग किसी स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसा कि स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, सिंगिंग का स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, डांसिंग का स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जो भोजपुरी इंडस्ट्री है ये बहुत मतलब कि एक गरीब इंडस्ट्री भी कहा जा सकता है इसको, भोजपुरी इंडस्ट्री को। ताकि इसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी गाना स्टार्ट करते हैं, गाने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो उनके पास पैसा नहीं रहता है, लगभग 100% में 90% लोगों के पास। तो इन लोगों के गाने जब गाने के लिए जाते हैं लोग, तो इन लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और यही मुश्किलें हम जो है दीपक लाल यादव जी से और हमारे भाई साहब एक और हैं, इनसे भी हम लोग जानेंगे जी। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जी ये कर ये मतलब कि हमारा जब शुरू से मैं गाना गाया तो मेरा छठ का एल्बम आया था, तो शुरू से मतलब जो गाना गाए थे वो मतलब कि शुरू में इतना पैसा लगा, मतलब स्टूडियो में 1500 रुपया लगा था, उस समय कम लगा था और लगा था मतलब गीत जो लिखे थे वो 1500 रुपया लिए थे। तो हम सोचे कि यार इतना पैसा लगा तो कैसे गाना, मतलब एक ही एल्बम में इतना लग रहा है तो मतलब कि कैसे गाना गाए, घर वाले भी सोचेंगे कि दो मिनट का गाना। तो हिम्मत वो मेरे बड़े भैया अनिल हंसराज पुरी जी थे, वो बोले दीपक मैं आपका सपोर्ट करूँगा मतलब कि सपोर्ट करने लगे मेरे। और ये आज के डेट में मतलब कि उस समय जो मैं गाना था ट्रैक पे गाता था तो 200-300 रुपया में मुझे गाते थे घर का लड़का जानकर। और मैं ए बी ओ गाना लाज मतलब कि यूट्यूब पर मेरा चलता था बस। और सदानंद भैया थे, ये मतलब मेरे बड़े भैया हैं, वीडियो डायरेक्टर हैं, और यही मतलब कि आइडियो गाना लॉन्च होता था तो ये फेसबुक पर इससे मतलब बात हुई। ये इधर ही के हमारे क्षेत्र के हैं लेकिन हम नहीं जानते थे इनको, ये भी नहीं हमको जानते। आपकी कहानी क्या है? हमारी क्या है भैया, बस यही बहुत मेहनत शुरू से कर रहे हैं। पहले शुरुआत में तो हम ऐसे गाना नहीं गाते, सपोर्ट नहीं मिला आपको? नहीं, सपोर्ट घर का था लेकिन ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं मिला कि आप कर, हाँ कुछ नहीं मिला किसी से। तो हम जो साउंड चलाते थे, डीजे चलाते थे, फिर हम देखे इसी तरह गाते थे लोग, तो फिर हम भी सोचे हम भी गाएंगे। वही चला चला के रात भर मेहनत करते थे, चला चला के आपको पता ही होगा कितना मिलता है, 200-300 मिलता है, वही बटोर के गाते थे अपना जो पैसा होता था। चलिए बटोर के गाते गाते आज ऐसे मुकाम पे पहुँचे हुए हैं, ऐसे कि इधर स्टैंड एक बेचारे किसी तरह ले लिए हैं और एक LCD आप लोग देख रहे होंगे और इधर कीबोर्ड माउस कैमरा एक है। आप लोग के आशीर्वाद से सभी लोग हमको जानते हैं। हाँ भैया, बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए और पब्लिक का भी मिल जाए। दर्शकों का आशीर्वाद चाहिए, हम लोग भाई हैं। चलिए, क्या आपकी कहानी क्या है? मेरी कहानी मतलब घर से मैं तब निकली थी मतलब ये काम करने के लिए शूटिंग वगैरह, तो मतलब घर से बहुत बोले थे कि मतलब जाएगी क्या करेगी और लड़कों के साथ में, कोई मतलब ये बात तक बोलते थे लोग मतलब जाओगी तो मतलब शादी वगैरह नहीं होगा, हम कह रहे शादी मतलब ये बात जाएंगे किसी के साथ, हाँ वही मतलब जाएगी बाहर काम करने तो किसी के साथ चली जाएगी या तो मतलब घर नहीं आएगी। और घर वाले भी बोलते थे मतलब घर वाले भी उतना सपोर्ट नहीं किए मतलब जाओ तुम काम करो, फिर मतलब गांव वाले तो बोलते ही हैं घर का सपोर्ट नहीं रहेगा तो घर वाले से बढ़ के तो गांव वाले बोलेंगे। आपको पता है कि गांव के लोग कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं? फिर उन्होंने हमको पता चला, एक दोस्त है मेरी, फिर इनको मिला तो मैंने बोला बाबू मैं आपका सपोर्ट करूंगा, आप आइए और जो हमसे होता है, देखिए दीपक भाई के लिए भी करते हैं, इनके लिए भी करते हैं, जो भी हमसे हो सकता है जरूर करते हैं, पूछ लीजिए लोग खुद ही बताएंगे। सही है, हाँ जी मतलब इन्हीं से मतलब आई और यही स्टार्ट करवाया काम करने। आज की डेट में मैं बहुत एल्बम भी कर चुकी हूँ और कर भी रही हूँ। अच्छा, हाँ। और आप, आपकी कहानी क्या है?
कहानी तो मेरी ठीक ठाक है भैया, मेरी वैसी कोई कहानी नहीं है। अच्छा, बॉडी बिल्डर है भी, देखिए बॉडी बिल्डर है, बिल्डर नहीं है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना जरूरी है शरीर के लिए। एक्सरसाइज करते हैं? जी जी करते हैं। तो दोनों लोग मिलकर आप लोग खोले हुए हैं? हाँ, हम लोग देखिए भाई हैं, ठीक है, एक जगह रहते हैं, अपना खाना पीना रहना सब कुछ हम लोग का एक ही जगह होता है, और अपना मिल के अपना दिमाग लगा के और फर्स्ट क्लास का अपना एक स्टूडियो ओपन किए हैं और अपना काम कर रहे हैं जी। तो दोस्तों यही कहानी थी इन लोगों की, और जितने भी हमारे दर्शक वीडियो देख रहे होंगे, अगर नए कलाकार अगर वीडियो देख रहे होंगे तो अगर यहाँ पे अपना कैसेट का रिकॉर्डिंग लाएंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड यानी वीडियो बनवाना चाहेंगे तो यहाँ पे फ्री में भैया बना देंगे। और इनका नंबर जो है कि मैं बुलवा देता हूँ, क्या नंबर है कोई? 70 14 68 70 34 मेरा मोबाइल नंबर है 7014 68 70 34 ये मेरा मोबाइल नंबर है। कोई भी भाई संपर्क का कोई भी दिक्कत हो जरूर हम लोग जितना हमसे होगा उतना जरूर करेंगे आप लोग के लिए। बस मिल के अच्छा काम करिए, मिल के रहिए, आप लोग मिल कर काम करना है। आप लोग को पता है कि बड़ा कलाकार कोई किसी का सपोर्ट इस इंडस्ट्री में करता नहीं है, बस आपको मतलब भर लोग काम करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता है। मैं चाहता हूँ वीडियो समाप्त करने से पहले कि दोनों तीनों लोग अगर मिल कर गाएँ एक गाना चारों लोग तो बहुत बढ़िया रहे। अरे रोते रोते मिले हमसे आयल बनी हमार जान आज हरदी से लटाई बनी हमार जान आज हरदी से लटाई बनी। देखिए दोस्तों ये चारों लोग जो है कि मिलकर एक गाना गाए हैं, और आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिए और यही वीडियो को आपका, देखिए हम किसी वीडियो में बोलते नहीं हैं, हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगता है और अच्छा लगता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब, तो अगर बढ़िया लगता है हमारा चैनल, अगर हमारे वीडियो बढ़िया वीडियो आ रही है तो सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं आ रही है तो अनसब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।